जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब सगी माँ ही लावारिस बना दे तो फरिश्तों के रूप में इंसान आते हैं। ऐसी ही फरिश्ता बनी शिशु गृह की केयर टेकर आशा। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक बार फिर माँ की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बेटे और बेटी में किसी तरह का भेद नहीं करने की सीख भले ही दी जाती है, लेकिन एक माँ ने बेटी पैदा होने पर उसे लावारिस छोड़ दिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नवजात बच्ची का इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग के शिशु गृह की केयर टेकर आशा ने सोमवार सुबह गेट के सामने ही एक नवजात को लावारिस पड़ा हुआ देखा। नवजात खून से लथपथ थी, मानो उसका जन्म कुछ समय पहले ही हुआ हो और फिर उसे वहाँ छोड़ गया हो, जिसे केयर टेकर आशा ने अपने कब्जे में लिया। इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस डूंगरपुर को दी गई। इसके बाद नवजात को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां SNCU वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। नवजात पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है और केयर। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद होता है और दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें आती है जो आंखों में आंसू ला देती है। बदलते डिजिटल इंडिया की तस्वीर के आगे भी बेटियों की स्थिति अब भी वही है। एक माँ की मजबूरी के आगे नवजात बच्चियों का क्या कसूर। कैमरा पर्सन जीतू कुमावत के साथ जयपुर से मनोज यादव की रिपोर्ट।